यर सेक्टर हैज बीन सीन एज द मोस्ट फैसिटिंग करियर ऑप्शन पास स्टेज ऑनली अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन आते हैं जिनमें से नर्सिंग भी एक है पर्टिकुलरली अगर नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए तो हर हॉस्पिटल में नियर अबाउट थर्टी परसेंट जो स्टाफ अपॉइंट किया जाता है दैट इज फ्रॉम नर्सिंग स्टाफ एंड ओनली इंडिया इज हैविंग थ्री पॉइंट एट मिलियन रजिस्टर्ड नर्सिस एंड आउट ऑफ विच इट इज़ अ वेरी गुड नंबर दैट एटी फोर पॉइंट फाइव आर इम्प्लॉयड इन नर्सिंग एंड द फेडल गवर्मेंट हैजरेडी सेट दट नीयर अबाउट टू लैक न्यू रजिस्टर्ड नर्सिज पोजिशन विल भी क्रिएटेड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो गाइज वी आर सींग अूज स्कोप दिस नर्सिंग करियर ऑप्शन बट अलॉन्ग विद स्कोप देर इज ऑल्सो कम्पिटिशन एंड हाउ यू कैन बीट द कॉम्पिटिशन इज बाय नोइंग ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस करियर ऑप्शन इसमें सर्टिफिकेट्स कौन से होते हैं इसमें डिप्लोमा कौन से होते हैं इसमें डिग्री कोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अब हम बेसिक जानकारी तो हम सब रखते हैं कि नर्सिंग जो प्रोफेशन है दैट इज मेनली चार साल की भी नर्सिंग होगी उसके बाद कुछ हम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स और लेंगे एंड देन विल गो फॉर आर करियर और देन विल टेक अ जॉब प्रोफाइल बट लेट मी टेल यू दैट लेट मी गिव यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड द डिग्री विच आर इन्वॉल्व इन नर्सिंग तो ये सारे पूरा एक कोर्स अटेंड करने के बाद यू विल हैव अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड यू विल यू कैन इवेल्यूएट योर सेल्फ की वेदर यू आर राइट फिट फॉर दिस प्रोफेशन आर नॉट ज दिस इज जस्ट फॉर यूर नॉलेज वैसे तो बेस्ट कोर्स अगर आप नर्सिंग में ऑप्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर बीएससी नर्सिंग बट यू हैव टू नो दैट सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और डिग्री कोर्सेज कौन कौन से होते हैं द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इज एनआरपी द सेकेंड इज एम ए बी थर्ड इज थर्ड वन इज एक्चुअली इफ यू आर रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीएससी नर्सिंग सो इट इज बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग दैट इज बी एस एन

तो ये किसी भी डिग्री के बाद आप ये सर्टिफिकेट कोर्स ऑप्ट कर सकते हो अगर आप ट्वेल्थ के बाद करते हो या टेंथ के बाद करते हो या किसी और फील्ड में बीए या बीएससी करने के बाद भी अगर आपको सर्टिफिकेट करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट अब डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज की खास बात यह है कि ये दो से तीन साल के बीच में कंप्लीट होते हैं ट्वेल्थ के बाद आप इनमें जा सकते हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस बट सबसे पहले विल डिस्कस द नेम्स के डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं फर्स्ट इज एएनएम एंड जीएनएम तो एएनएम और जीएनएम जो कोर्सेज हैं इनके बारे में आपने सबसे ज्यादा सुन रखा होगा क्योंकि जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ जो अपॉइंट होता है वो एएनएम और जीएनएम कोर्सेज करके अपॉइंट होते हैं नेक्स्ट वन इज एडवांस्ड डिप्लोमा इन अपेलमिक केयर मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज डिप्लोमा इन होम नर्सिंग तो ये चार अलग अलग टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप ट्वेल्थ के बाद ऑप्ट कर सकते हो काफी सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट भी करते हैं क्योंकि जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा होती है ये डिप्लोमा कोर्सेज के बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं आपको बहुत इजिली एम्प्लॉय कर लेते हैं बट द बेस्ट पार्ट दैट इज डिग्री कोर्सेज़ ऑब्वियसली डिग्री कोर्सेज़ सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री में क्या होगा कि टेन बढ़ता जाएगा सर्टिफिकेट अगर एक साल में खत्म हो रहा है डिप्लोमा दो साल में तो डिग्री तीन से चार साल के बीच में जाएगी एंड इवन मोर देन दैट अगर आप इंटर्नशिप भी साथ साथ खट गए अब डिग्री में सबसे पहले क्या आती है दैट इज बी एस सी नर्सिंग नेक्स्ट इज बीएससी ऑनर्स नर्सिंग अब बी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है डिफरेंस यही है कि बी ऑनर्स नर्सिंग से पहले आपने कोई ना कोई सर्टिफिकेट उसमें किया रहता है तो इसलिए आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में जाते हैं दैट इज मोर प्रैक्टिकल ऑप्शन नेक्स्ट इज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इसमें भी आप पहले एक डिप्लोमा गेन करते हैं उसके बाद आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जाते हैं कि जैसे हम इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अगर हमने पॉलिटेक्निक की हो तो हमें डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है सेम सेम इज इज द केस एर दैट इज पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंड आफ्टर दैट बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग इज पोस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सर्टिफिकेट है देन यू कैन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन अब नाउ दिस वाज़ ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट नर्सिंग यहाँ पे हमने देखा कि डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन से हैं डिग्री कोर्सेज कौन कौन से हैं अब हम जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे दैट इज बीएससी नर्सिंग क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हमारे होते हैं ओपन वो जॉब प्रोफाइल्स भी हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशंस हम स्पेशलाइजेशन क्या कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं टॉप कॉलेजेस कौन से हैं कहाँ आप जा सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले इन द नेक्स्ट फ्यू ऑप्शन तो गायस स्टे विद फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन